इनकी थोड़ी कटिंग की है कल माली ने, तो फिर अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और यहाँ मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मम्मा का व्लॉग। ये देखो मैं अभी निन्नी कर रहा हूँ और मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है। और ये देखो गाजर रखी हुई है, रोटी का टुकड़ा भी है, गोभी भी है, मैं सब खा जाऊंगा। अभी मैं सो रहा हूँ, सो रहा है तो व्लॉग कैसे बना रहा है? है मक्खन, है मक्खन, ये देखो छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, क्यूट बच्चा है ये। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों अभी जो है बस नाश्ता किया है मैंने और सब लोग जा चुके हैं, यहाँ पड़े हैं कपड़े। आज है वेडनेसडे, सोच रही हूँ धो लूँ नहीं धोऊँ, समझ नहीं आ रहा। तो एक मन कर रहा है धो लेती हूँ, हैं थोड़े से ही पर फिर भी धो लेती हूँ क्योंकि कल हो जाएगा थर्सडे। और यहाँ पे मैंने सुबह सब्जी मंगाई थी वो रखी हुई है, तो इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ। इसमें शायद भिंडी है, हाँ भिंडी है, ये भी रख देती हूँ इधर। ये गाजर, खीरे, जो भी सामान है सब रख देती हूँ अभी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखो ये कबूतर नहीं पीछा छोड़ते, यहीं बैठे रहते हैं। इसके ऊपर देखो कितने मैंने ये लगाए हुए हैं, फिर भी ये आके यहीं बैठते हैं। और इधर देखो हमारे पार्क का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ये जो सामने के पेड़ थे ना, इनकी थोड़ी कटिंग की है कल माली ने, तो फिर अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और यहाँ से ना बिल्कुल साफ दिखाई भी दे रहा मुझे। पहले ना पेड़ पौधों की वजह से दिखाई कम देता था क्योंकि काफ़ी ना टेढ़े मेढ़े बड़े हुए थे, तो कल उनकी थोड़ी कटाई छटाई की है तो फिर अब अच्छा लग रहा है पार्क। और ज़रूरी है प्लांट्स की कटाई छटाई भी थोड़ा सा करना चाहिए, तभी लुक जो है ना उनकी अच्छी लगती है। तो पार्क की लुक भी बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखो ये बिल्कुल नहीं डरते, बालकनी में कोई भी आए जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना बैठे रहते हैं। और बस अभी थोड़ी साफ सफाई करनी है तो वो करूंगी। और मशीन भी लगा देती हूँ, वो भी आई हूँ दोस्तों छत पर। और ना प्लांट में जो है मेरे को पानी डालना है। आ हो गया, धूप अच्छी निकली हुई है, नीचे तो ठंड लग रही है और मौसम का ना पता ही नहीं चल रहा। कल जो था मौसम वो गर्म था और आज अचानक से मौसम हो गया चेंज और ठंड लग रही थी। और अभी भी ना हवा में ठंडक है, काफ़ी ठंडक है हवा में। तो मैं आई थी यहाँ पे प्लांट से पानी देने के लिए, तो सूख गए हैं। कल तेज़ धूप थी, आज वापस से नॉर्मल लग रहा है, ठंड लग रही है बल्कि। और मैंने कल स्वेटर नहीं पहना था, आज फिर से पहन लिया। पता नहीं क्या चल रहा है, ये मौसम का लुका छिपी का खेल चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना इस टाइम पे, आप देख रहे होंगे धूप भी है लेकिन हवा भी बहुत ठंडी चल रही है और प्रॉपर ठंड लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है वापस से ठंड आ गई है दिल्ली में। और किन किन के यहाँ ऐसा मौसम चल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और रोहतक में तो मैंने सुना है रोहतक साइड पे ना ओले भी पड़े हैं काफ़ी, तो
यहाँ तो ओले तो नहीं पड़े, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बर्फ पिघल रही है, और उसकी जैसी ठंडक होती है ना वैसी ठंडी चिल्ड हवा चल रही है और ठंड लग रही है। देखो अभी धूप थी तेज और एकदम हल्की हुई है, देखो अभी तो वो सब चल रहा है। समझ नहीं आ रहा मौसम का क्या चल रहा है। तो बस आई थी, अभी प्लांट्स में पानी डाल देती हूँ सब में। और यहाँ पे मेरी मटर देख लेती हूँ कितनी हुई है, अभी तो छोटी सी पतली सी है। और ये सब चीज़ें दोस्तों मैं इसलिए नहीं करती कि मुझे कोई सब्जियाँ खानी है या फिर इसी से ही काम चलेगा। थोड़ा सा ना अच्छा लगता है थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ हो गार्डन में, यूज़ हो जाए थोड़ी बहुत, ना भी यूज़ होए तो अच्छी लगती है मुझे, तो इसलिए मैं ज़रूर लगाती हूँ थोड़ा थोड़ा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये टमाटर के पौधे लगाए हैं, ये देखो अभी तो छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। और इधर जो आए हुए हैं टमाटर वो बड़े हो चुके हैं प्लांट, और इनमें आए हुए हैं फूल, ये देखो ये आए हुए हैं ना फूल आए हुए हैं इस पे देखो। और ये फल में जब कन्वर्ट होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो पानी डाल लेती हूँ प्लांट्स में सब में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पानी देना, और इसकी जो मिट्टी है ना वो गीली है टमाटर वाले पौधे की, तो इसमें तो मैं नहीं दे रही हूँ, इसकी मिट्टी सूखी है इसे दे देती हूँ। और बाकी काफ़ी पौधे सूखे हैं आज, फूल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये येलो। तो डाल दिया है सब पौधों में पानी, बस अब जा रही हूँ नीचे। और हवा इतनी ठंडी चलने लग गई है वापस से, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। इस वाले गेंदे में ना मेरे बहुत प्यारे फूल आए हुए हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये वाले ना। और अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो जितने भी प्लांट्स पर फूल आए हुए हैं ना ताज़ा फूल लूँगी और भोलेनाथ पर चढ़ाऊँगी। ये देखो गुलाब पर भी ना ताज़ा ताज़ा गुलाब काफ़ी सारे आए हुए हैं, ये देखो ये वाला ताज़ा गुलाब है, इधर ये जो है ये भी ताज़ा ही है अभी आया है, इधर देखो ये भी जोड़े में इधर ये ताज़ा आया हुआ है, ये वाला सूख गया है। और इधर तो क्या ही कहने, इधर ये जो कली है ना इस गुलाब के साथ ही है, देखो एक ये है और इसके साथ ही है, देखो दो ये सारी कलियाँ तीन चार हैं, ये सब खिलने वाली हैं और शिवरात्रि तक खिल भी जाएंगी। तो मैं लगा दूँगी, इनकी माला चढ़ा दूँगी और कुछ फूल रख लूँगी। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और इधर देखो सदाबहार पे फूल आ चुके हैं जो मैंने दिखाए थे ना आपको, कलियाँ बन चुके हैं देखो वाइट, और ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाले देसी जो सदाबहार होते हैं ना इनके फूल मुझे प्यारे लगते हैं। सब पर ही आ गए हैं लगभग, सब सदाबहार पे सारों पे ही फूल आने लग गए हैं, ये देखो। और ये फूल सूख गया है, इसको हटा देती हूँ इस तरीके से ना, यहाँ से अगर आप हटा देंगे तो यहीं से ना वापस से पत्तियाँ निकलेंगी और ये जो है इस तरीके से घना हो जाएगा, तो ये ज़रूर हटा देना चाहिए। जैसे ये है इसको भी हटा देंगे, जो भी सूख गए हैं ना बिल्कुल जो सूख चुके हैं इनको ज़रूर से हटा देना चाहिए, तभी क्या होता नए फूल आ पाते हैं। ये भी देखो सूखे हुए हैं सारे, इनको भी हटा देती हूँ। तो जितने सूखे फूल है ना दोस्तों ज़रूर हटा देने चाहिए, तभी आप इतने जो घने फूल है ना आप आएंगे आपके प्लांट्स पर। सूखे फूल ज़रूर हटा दो, ये देखो इस तरीके से सूख करना, ये बिल्कुल झड़ चुका है, देखो इसको ऐसे हटा दो
और कैंची हो तो आप कैंची से अच्छे से काट सकते हो, मुझे तो आदत पड़ी हुई है तो मैं इसे हाथ से तोड़ लेती हूँ। देखो हटाकर आप उसी में डाल दो, उसी प्लांट के गमले में डाल दो या किसी और में डाल दो, तो फिर और ज़्यादा घने फूल आएंगे। ये देखो जैसे इसके हैं, ये सूख गए ना, ये भी ऐसे हटा दो। तो ये सब चेक करती रहती हूँ मैं, तभी आप जो मेरा गार्डन देखते हैं ना इतना सुंदर, तभी लगता है कि मैं इनको टाइम टू टाइम बच्चों की तरह ना इनकी केयर करती रहती हूँ, और करनी भी चाहिए बच्चों की तरह केयर इनकी, तभी इतने अच्छे फूल आप ले पाएंगे। देखो ये खिलने वाला है, और कल कितनी गर्मी थी और आज कितनी ठंड हो गई है। और ऊपर आती हूँ ना तो प्लांट देखती रहती हूँ, मन ही नहीं भरता मेरे। मतलब ये मान के चलो अगर मैं छत पर आई हूँ ना तो एक घंटा मुझे लग जाता है इनको देखने में, निहारने में, फिर पानी देती हूँ, किसी के फूल सूखे हैं वो हटाती हूँ, तो ये सब काम करती रहती हूँ तब जाती हूँ। तो इसलिए मैं जब भी छत पर आती हूँ तो वैसे ज़्यादातर मैं काम निपटा के ही आती हूँ। तो और इसका देखो पर्पल का, पर्पल हार्ट प्लांट है ये, इसका फूल है ये, इतना प्यारा लगता है इसका फूल, ये वाले बहुत सुंदर लगते हैं छोटे छोटे से। तो चलिए जी चलती हूँ मैं नीचे, अब जाती हूँ, और इसी के साथ इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करके जा रही हूँ। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।